सच्चा ज्ञान वो होता है जैसे सागर में नमक घुल जाए, फिर नमक का अस्तित्व कहाँ रहता है? यदि मैं इस पात्र के पानी में थोड़ी सी रेत मिला दूं, तो योग के संदर्भ में तुम इसे क्या कहोगे? गुरुदेव, ये तो बहुत सामान्य सी बात है। रेत जैसे ही नीचे बैठेगी, जल स्वच्छ हो जाएगा और जल पीने योग्य हो जाएगा। मेरा प्रश्न योग के संदर्भ में है। सिद्धार्थ जी, गुरुदेव, क्या तुम इस भेद को समझा सकते हो? जी गुरुदेव, ये रेत के कण काम, क्रोध, मद और लोभ के प्रतीक हैं। जब ये चित्त से दूर जाते हैं तो निर्मल जल रूपी ध्यान प्राप्त होता है। जब तक ज्ञान पिपासा ना मिट जाए, जब तक प्रश्नों के उत्तर ना मिल जाए। क्यों, शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया? अवश्य किया, पर मिथ्या लते। ऐसा क्यों? क्योंकि उनमें उपाय है, कारण नहीं।